गर्मजोशी भरे स्वागत और आतिथ्य सत्कार के लिए हिज मैजेस्टी और पूरे शाही परिवार का मैं हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। भारतीय प्रधानमंत्री की ब्रुनेई की यह पहली द्विपक्षीय यात्रा है, लेकिन यहां मिले अपनेपन ने मुझे दोनों देशों के सदियों पुराने संबंधों का एहसास हर पल हम अनुभव कर रहे हैं। योर मैजेस्टी, इस साल ब्रुनेई की आजादी की 40वीं वर्षगांठ है। आपके नेतृत्व में ब्रुनेई ने परंपरा और निरंतरता के लिए एक महत्वपूर्ण संगम के साथ प्रगति की है। ब्रुनेई के लिए आपका वावासन 2035 विजन सराहनीय है। 140 करोड़ भारतीयों की ओर से मैं आपको और ब्रुनेई के लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, भारत और ब्रुनेई के बीच गहरे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध है। इस साल हम अपने राजनीतिक संबंधों की 40वीं सालगिरह मना रहे हैं। इस अवसर पर हमने निर्णय लिया है कि अपने संबंधों को एनहैंस पार्टनरशिप का दर्जा देंगे। हमारी साझेदारी को स्ट्रैटेजिक दिशा देने के लिए हमने सभी पहलुओं पर व्यापक चर्चा की। हम आर्थिक, वैज्ञानिक और रणनीतिक क्षेत्रों में अपने सहयोग को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। हमने कृषि, उद्योग, फार्मा और स्वास्थ्य के साथ साथ फिनटेक और साइबर सिक्योरिटी में आपसी सहयोग पर बल देने का निर्णय लिया है। ऊर्जा क्षेत्र में हमने एलएनजी में लॉन्ग टर्म सहयोग की संभावनाओं पर चर्चा की। रक्षा क्षेत्र में सहयोग को बढ़ाने के लिए हमने रक्षा उद्योग, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण की संभावनाओं पर सकारात्मक विचार किए। अंतरिक्ष के क्षेत्र में अपने सहयोग को सुदृढ़ करने के लिए हमने सैटेलाइट डेवलपमेंट, रिमोट सेंसिंग और ट्रेनिंग पर सहमति बनाई है। दोनों देशों के बीच कनेक्टिविटी के लिए जल्द ही डायरेक्ट फ्लाइट्स शुरू की जाएगी। साथियों, हमारे पीपल टू पीपल संबंध हमारी साझेदारी की नींव है। मुझे खुशी है कि भारतीय समुदाय ब्रुनेई की अर्थव्यवस्था और समाज में सकारात्मक योगदान दे रहा है। कल भारतीय राजदूतावास के लोकार्पण से भारतीय समुदाय को एक स्थायी एड्रेस मिला है। भारतीय समुदाय के कल्याण और हितों की देखरेख के लिए हम मैजेस्टी और उनकी सरकार के आभारी हैं। साथियों, भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और इंडो पैसिफिक विजन में ब्रुनेई का महत्वपूर्ण साझेदार रहा है। भारत हमेशा आसियान सेंट्रलिटी को प्राथमिकता देता आया है और आगे भी देता रहेगा। हम अनक्लॉस जैसे अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और ओवर फ्लाइट्स का समर्थन करते हैं। हम सहमत हैं कि इस क्षेत्र में कोड ऑफ कंडक्ट पर सहमति बने। हम विस्तारवाद नहीं, विकासवाद की नीति का समर्थन करते हैं। योर मैजेस्टी, भारत के साथ संबंधों के प्रति
आपकी प्रतिबद्धता के लिए हम आपके आभारी हैं। आज हमारे ऐतिहासिक संबंधों में एक नया अध्याय जुड़ रहा है। एक बार फिर मुझे दिए गए सम्मान के लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। मैं आपके शाही परिवार के सभी सदस्यों और ब्रुनेई के लोगों के अच्छे स्वास्थ्य और खुशहाली की कामना करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।